नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है। पहले पैंगोंग झील के पास चीन ने भारत के इलाके में घुसने की कोशिश की, फिर गलवान घाटी का वो इलाका जो भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है, वहां पर भी चीन मुसीबत बना। इसी इलाके में 15 जून की रात दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। सिर्फ इन्हीं दो जगहों पर नहीं, बल्कि चीन दौलत बेग ओल्डी DBO और देपसांग सेक्टर में मुसीबतें बढ़ा रहा है। ऐसे में चीन ने भारत के खिलाफ कौन कौन से मोर्चे खोल रखे हैं, इन जगहों पर कब क्या हुआ, इस वीडियो हम आपको यही बताएंगे। ये सबको पता है कि चीन ने गलवान घाटी ही नहीं, पैंगोंग झील, दौलत बेग ओल्डी, देपसांग सेक्टर और नाकुरा सेक्टर में भी भारत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पर फिलहाल वहां क्या हालात हैं, पहले ये जानिए। पहले बात करते हैं गलवान घाटी की। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिक कई जगहों पर तैनात हैं। 22 जून को ली गई तस्वीरों में दिख रहा है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास चीनियों ने एक नया फॉरवर्ड बिल्डअप बना लिया है। मैक्सस वर्ल्ड व्यू 3 सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में वाहनों की आवाजाही, JCB मशीन और निर्माण दिख रहा है। इंडिया टुडे ने सैटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट कर्नल रिटायर्ड विनायक भट्ट से इन तस्वीरों का विश्लेषण करवाया। कर्नल भट्ट ने बताया, दोनों पक्षों ने नदी के किनारों पर अपने सैनिकों को तैनात किया है, लेकिन लगता है कि PLA के सैनिक अपने वादे के मुताबिक पीछे नहीं हटे हैं। कर्नल भट्ट ने नोट किया कि भारतीय पक्ष की ओर से तंबू संघर्ष की जगह से 500 मीटर दूरी पर है, वहीं चीनियों का तंबू और स्टोरेज का दायरा ज्यादा बड़ा फैला है और संघर्ष की जगह के बहुत पास भी है। कर्नल भट्ट ने कहा, तस्वीरों में ऑब्जर्व की गई अधिकतर स्टोरेज संघर्ष की जगह से 200 मीटर से 2 किलोमीटर तक है। हिंसक झड़प के बाद चीन ने पिछले हफ्ते पूरी गलवान घाटी पर दावा करते हुए बयान जारी किया था, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने कहा है कि गलवान घाटी पर स्थिति ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट है। 25 जून को खबर आई कि चीन गलवान घाटी में झड़प वाली जगह से 1 किलोमीटर पीछे हट गया है। गलवान घाटी के पास चीन के सैनिकों की संख्या में भी कमी देखी गई है। अब चलते हैं पैंगोंग झील। पैंगोंग झील 135 किलोमीटर लंबी है। भारत के हिसाब से 45 किलोमीटर का हिस्सा भारत का है और बाकी चीन का। झील के उत्तर में उभार बने हुए हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे 8 उभार हैं, इन्हें फिंगर्स कहा जाता है। भारत का मानना है कि LAC फिंगर 8 से गुजर रही है। भारत फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करता है, लेकिन हाल के कुछ साल में चीन ने पेट्रोलिंग फिंगर 2 तक शुरू कर दी है। भारत के जवान 5 मई को फिंगर 2 से आगे पेट्रोलिंग करने गए तो उनको चीन ने वहीं रोक दिया। पैंगोंग सू के उत्तरी किनारे पर 5 और 6 मई को भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। इसके बाद से ही उस इलाके में तनाव है। 22 जून को खबर आई कि चीनी सेना ने पैंगोंग झील के आसपास हलचल बढ़ा दी। सैटेलाइट इमेज से पता चला कि चीन ने LAC पर भारत की ओर के क्षेत्र में पिलबॉक्स बना लिए हैं। पिलबॉक्स का मतलब होता है ऐसे बंकर जिनमें जवान के छिपने की पूरी जगह होती है, बस छोटा सा छेद रहता है जिससे हथियार बाहर निकालकर निशाना लगाया जा सकता है। चीन ने LAC के इस तरफ 330 मीटर के दायरे में भी पिलबॉक्स तैयार कर लिए हैं। ये भारत के लिए LAC पर हालात को यथास्थिति रखने की कोशिश पर साफ तौर पर इसका उल्लंघन है। अब बात दौलत बेग ओल्डी और देपसांग सेक्टर की। 24 जून को पता चला कि दौलत बेग ओल्डी DBO और देपसांग सेक्टर में चीन की सेना का मूवमेंट बढ़ा है। LAC के पास स्थित DBO इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 के बीच चीन भारतीय जवानों के लिए दिक्कत बढ़ा रहा है। चीन काराकोरम दर्रे के आसपास के इलाकों में अतिक्रमण करना चाहता है ताकि पाकिस्तान और यूरोप के देशों की तरफ जाने वाले हाईवेज के लिए रास्ता मिल जाए। सूत्रों का कहना है कि चीन सड़क के जरिए भारी वाहनों और तोपों को LAC के पास मौजूद पेट्रोलिंग पॉइंट PP-15, PP-17 और PP-17A के करीब ले आया है। इन इलाकों में चीन की सेना की गतिविधियां और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बंद नहीं हुई। फिंगर इलाकों में भी चीन खुद को मजबूत कर रहा है। फिंगर 4 और उससे लगे इलाकों में चीन ने खुद को काफी मजबूत कर लिया है। चीनी बेस के पास कैंप और वाहन देखे गए हैं। चीन की ओर से ये बेस 2016 से पहले ही बनाए गए थे, लेकिन इस महीने सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि यहाँ पर नए शिविरों और वाहनों के लिए ट्रैक बनाए गए हैं। जमीनी ट्रैकिंग के जरिए भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। भारत ने मई के आखिर में ही भांप लिया था कि चीन देपसांग में लामबंदी कर सकता है। ये वो इलाका है जहां पर चीन की सेना ने 2013 में घुसपैठ की थी। अब बात नाकुला सेक्टर की। 9 मई को चीन के सैनिक सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारत के इलाके में घुस गए थे। यहां चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। भारत के 4 और चीन के 7 जवानों के जख्मी होने की खबर भी आई थी। नाकुला वाली झड़प में तो दोनों तरफ से मिलाकर करीब 150 जवान लड़ाई में शामिल थे। हालांकि यहां लोकल मिलिट्री कमांडर स्तर पर झगड़ा सुलझा लिया गया था। बाद में एक वीडियो वायरल हुआ, इसमें भारत और चीन के सैनिक हाथ पैर और छोटे मोटे हथियारों से आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। ये वीडियो नॉर्थ सिक्किम के करीब 22,000 फुट ऊंचे चोमो यूमो पहाड़ के बेस का था। चोमो यूमो नाकुला से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। चीन से तनाव के बीच नाकुला में भी भारत पहले से ज्यादा सतर्कता बरत रहा है। खैर, इस मामले में आगे जो अपडेट आते हैं वो भी हम आपको बताते रहेंगे। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।